नमस्कार मित्रों, आज स्वागत है आप सभी का आज के इस व्यक्ति विश्लेषण में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत का अमृतकाल, सपनों और चुनौतियों पर लेकर। दिनांक 19 अगस्त 2022। जानते इसके भूमिका के बारे में कुछ शुरू करते हैं इसका विश्लेषण। नेता और उनकी सरकारें सपने दिखा सकते हैं तथा उन्हें साकार करने के लिए बढ़ावा भी दे सकते हैं, कर्तव्य निभाना तो नागरिकों के हाथ में है। इस प्रकार यह लेख दिया गया है दोस्तों, और चलते इसके बारे में जानते हैं। ज्यादा इसमें दोस्तों डाटा वगैरह की नहीं है, इसलिए हम लेख पर ही बातें करेंगे। और तो जिस दिन हमारे इसमें कोई कुछ डाटा होगा जिसको हम पिछले वर्षों से या तो देखना चाहिए तो हम जरूर देखेंगे। पर आज यहाँ पर तो कोई डाटा जरूरी नहीं है। एथिक्स से जुड़ा हुआ चैप्टर और विकास से को कैसे क्या कर सकते हैं उसकी बाधाओं पर ज्यादा बातें की गई है, इसलिए आज हम सिर्फ इस लेख पर ही चर्चा करेंगे। भारत के अमृतकालीन स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को उन्हीं के दो शब्दों में समेटा जा सकता है। दो शब्द जो उन्होंने कहे उनमें है भ्रष्टाचार और कर्तव्य। उन्होंने जिस परिवारवाद और भाई भतीजावाद की बात की है, वह योग्यता को अनदेखा करते हुए सगे संबंधियों को आगे बढ़ाने का भ्रष्टाचार है। यानी कि जो भ्रष्टाचार उन्होंने बात की, वो भ्रष्टाचार हुआ है कि जो भी है टैलेंट वगैरह योग्यता है उसको अनदेखा करते करते हुए जो अपने सगे संबंधी सिर्फ उन्हीं को आगे बढ़ाना, वो भी एक भ्रष्टाचार है। और भाई भतीजावाद भी कहते हैं, जातिवाद भी इसी का एक रूप है। ये दोनों भारतीय समाज में संस्थागत रूप धारण कर चुके हैं। जातिवाद वही दोस्तों, सिर्फ अपनी जाति वालों को आगे देना, आगे आने देना, अन्य को पीछे रखना। और ये दोनों समस्याएं वो क्या संस्थागत रूप धारण कर चुकी है, यानी कि बड़ी बड़ी संस्थाओं से लेकर हर क्षेत्र में फैल चुकी है। शिक्षा में, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीति, विचारधारा, प्रशासन, न्याय हो या विकास, देश का हर पहलू इन समस्याओं से प्रभावित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी मुहिम तेज करने की बात कहते हुए लोगों के साथ उनके साथ भी मांगा। यानी कि उन्होंने जो अपने भाषण दिया उसमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी मुहिम तेज करने के लिए जो बात कही है उसमें लोगों के साथ उनका साथ भी मांगा है। यानी कि जो लोग हैं उनका साथ भी इसमें मांगा गया है, ताकि उनके साथ वह मिलकर इसमें मुहिम में भाग ले सके और इसको भारत से खत्म कर सके आने वाले समय तक। इसके बिना इस पर विजय पाना वैसे भी संभव नहीं है, क्योंकि जब तक लोग इसमें शामिल नहीं होंगे एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर देखने योग्य बात यह रह जाती है कि यह मुहिम काले धन के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम की तरह बनकर तो नहीं रह जाएगा। यानी कि जो काले धन के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई थी, काले धन लाना वगैरह करके, तो वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। जो उसमें काला धन तो नहीं आ पाया उतना, उससे ज्यादा तो सरकार को खर्च हो गया था। एक रिपोर्ट के द्वारा यह भी दावा किया गया है। मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप भी लग रहे हैं। मोदी सरकार के ऊपर केंद्रीय एजेंसियां दोस्तों हाल ही में छापे जो पड़ रहे हैं, जगह जगह पर लोगों के घर पर ईडी द्वारा, इनकम टैक्स द्वारा, सीबीआई द्वारा, तो उस पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि यह अपने राजनीतिक इस्तेमाल उनका कर रही है अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। क्या वो उनके काम में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने के संस्थानों को उस गुलाम मानसिकता से आजाद कर सकेंगे? तो क्या यह है काम में जो पारदर्शिता लानी है और जो ईमानदारी है सुनिश्चित करनी है, उस तो उन संस्थाओं को उस गुलाम मानसिकता से आजाद कर सकेंगे जिसकी चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की, जैसा मोदी जी ने किया है उनके भाषण में, कि उनको जो गुलाम मानसिकता है अंग्रेजों की या फिर जो भी पुराने गुलाम मानसिकता रही है अपने अपने ऊपर जिन्होंने भी राज किया है आज तक, तो क्या उसको हम उसको उससे हटकर हम हमारी जो गौरवशाली विरासत है, क्या हम उस पर गर्व कर पाएंगे? आज तक हम जो लोगों ने जरूर कहा है, पर जो सामान्य जनता है वह अभी तक अपने विरासतों और बहुत सारे उनमें यह भी है जो उनके बारे में नहीं जानते हैं कि हमारी जो इतिहास है वो कितना गौरवशाली रहा है। तो हमें उस पर गर्व करना होगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। जो भी देश आज आगे है वह अपने इतिहास पर गर्व करते हैं, और वह खुद को यह कहने में कभी नहीं इसके ज्यादा नहीं कि वह उनके वहां पर क्या था और क्या नहीं। जिस जर्मनी है वह भी अपने इतिहास पर गर्व करता है, तो
इसराइल है, उसने अपनी भाषा पर गर्व किया और जो भाषा मिटने के कगार पर थी उसको 5 सालों 6 सालों में उसने फिर से जीवंत रूप देकर हिब्रू जो कि उनकी भाषा है उसको अपने राष्ट्र की भाषा बनाया। इस प्रकार हमें भी अपने पुरानी मानसिकता से बाहर निकलना होगा और एक गौरवशाली रूप में अपने इतिहास पर गौरव करते हुए आगे बढ़ना होगा। दूसरा शब्द कर्तव्य है, यानी कि दूसरा शब्द जो है वो कर्तव्य है, जिसका समावेश संविधान के 42वें और सबसे बड़े संशोधन द्वारा किया गया। आपातकाल में किए गए इस संशोधन की वैधता पर सवाल उठाए जाते रहे हैं, पर हम जानते हैं कि जब तक सभी नागरिक ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तब तक किसी के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती। आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी तक सुरक्षित है जब तक आप दूसरों के मान सम्मान और मर्यादा का आदर करते हैं। जैसे यातायात में आपकी सुरक्षा तभी सुनिश्चित हो सकती है जब आप नियमों का पालन करें और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। यानी कि हम यातायात में जब सुरक्षा तभी सुनिश्चित करेंगे जब नियमों का पालन करेंगे और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। जब ये हम दोनों कार्य करेंगे तो हम अपने अपनी सुरक्षा भी स्वयं कर लेंगे। यही बात और चीजों काम की गुणवत्ता, न्याय और प्रशासन की मुस्तैदी और जलवायु की स्वच्छता पर भी लागू होती है। यानी कि जब तक हम खुद इसमें पहल नहीं करेंगे, खुद अपनी गुणवत्ता, अपने न्याय का, प्रशासन का ध्यान नहीं रखेंगे और जलवायु का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक जलवायु भी सही तरीके सुरक्षित नहीं रह पाएगा और उसके भी जो न्याय है, प्रशासन है, इनमें भी सुधार नहीं हो पाएगा। देश के विकास को तभी गति मिल सकती है जब नागरिक अपना अपना कर्तव्य समझकर ईमानदारी से काम करें। किसान अपनी उपज और आमद बढ़ाने के लिए नई तकनीक और बीजों से नई फसल उगाएं, अध्यापक पूरी तन्मयता से पढ़ाएं, डॉक्टर इलाज और इंजीनियर निर्माण अच्छे से करें, व्यापारी मुनाफे का एक हिस्सा नई तकनीक और कुशलता की खोज में लगाएं। नेता और उनकी सरकारें सपने दिखा सकते हैं और उन्हें साकार करने के लिए बढ़ावा भी दे सकते हैं, पर कर्तव्य निभाना तो नागरिकों के हाथों में है। पढ़ते आगे, और नारी सम्मान की बात हो, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति या अपनी भाषा और विरासत पर गर्व करने का प्रण, ये सब तभी पूरे हो सकते हैं जब देश के नागरिकों अपने कर्तव्यों को समझे और उनका तन्मयता से पालन करें। शायद सबसे बड़ी चुनौती जो है वह है अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाना और रोजगार के अवसर बनाना है, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके जो खाली बैठे हैं, जो आंशिक रूप से काम कर रहे हैं। जो हमारी मुख्य बातों में देखते हैं दोस्तों, हम रोजगार बढ़ाना है, किस लिए बढ़ाना है, खासकर उन लोगों के लिए जो खासकर गांव देहात के उन 55% लोगों के लिए जो अर्थव्यवस्था है मात्र 14% जोड़ने वाले कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। यानी कि जो कृषि क्षेत्र है अर्थव्यवस्था में 14% देता है, पर रोजगार में उसका हिस्सा 55% है। और इसी अनुसंधान और इसी से लड़ने के लिए जो विकसित राष्ट्र को प्रण लेने के लिए व्यवस्था को भ्रष्टाचार और परिवारवाद से मुक्त करने, नई खोज और अनुसंधान पर बल देने और नई शिक्षा नीति से कमेटी शिक्षा को बढ़ावा देने जैसी बातों पर लक्ष्य दिया गया है और लक्ष्य दिया जाना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का संकल्प भी दोहराया और भारत में बनी होवित्जर तोप से मिली सलामी को मिसाल के रूप में पेश किया। भारत अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा हथियारों, रक्षा उपकरणों और विमानों पर खर्च करता है। इनका निर्माण भारत में शुरू होने से दूसरे देशों पर सामरिक निर्भरता कम होगी, पूंजी की बचत होगी और देश में रोजगार बढ़ेंगे। आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी जरूरत ईंधन और खाद्य तेलों के में क्षेत्रों में है। ऊंचे दामों पर उनके आयात से देश में महंगाई की समस्या बढ़ी है, क्योंकि जो युद्ध की स्थिति भी चल रही है और दाम भी ऊंचे कर दिए गए हैं खाद्य तेलों के और ईंधन के, जिस कारण उनके आयात करने से महंगाई की समस्या बढ़ी है, क्योंकि उन खरीदने में हमको ज्यादा फॉरेन करेंसी देनी पड़ती है, जैसे कि हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व भी कम हो रहा है। यदि सौर और पवन जैसे अक्षय ऊर्जा की स्रोतों का तेजी से विकास करके ऊर्जा की निर्भरता को कम या समाप्त किया जा सकता है, उससे पूंजी की बचत होने के साथ साथ तेल निर्यातक देशों की तानाशाही से भी मुक्ति मिल सकेगी। खाद्य तेलों के लिए किसानों को गेहूं, धान और गन्ने की जगह तिलहन और दलहन की खेती के लिए भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है। यानी कि जो अधिकतर हिस्सों में भारत के खेतियां हो रही है गेहूं, धान और गन्ने की, उनकी जगह पर अगर हमें खाद्य तेलों में अगर
आगे बढ़ना है, खाद्य तेलों की जरूरत को पूरा करना है, तो हमें दलहन और तिलहन की फसलों को प्रोत्साहित करने की बहुत जरूरत है। भारत की सबसे बड़ी विफलता स्कूल शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षित पेयजल की रही है, यानी कि जो हमारे बेसिक नीड्स है हम उसी में कमजोर हैं, तो इसीलिए हमारी सबसे बड़ी विफलता भी यही रही है। इन क्षेत्रों की मिलीजुली जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार की है। केंद्रीय विद्यालय और अस्पतालों का स्तर तो थोड़ा बेहतर है, पर राज्यों के स्कूल कॉलेज और अस्पतालों का स्तर इतना खराब है कि सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की एक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के सामने उसकी आलोचना कर डाली थी। यानी कि जो सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने साफ साफ शब्दों में यह कहा था कि जो यहाँ के राज्यों के स्कूल और कॉलेज वगैरह है, अस्पताल है, उनका स्तर बहुत ही खराब है, और जब तक इनको सुधारा नहीं जाएगा देश विकसित कभी नहीं हो पाएगा, वो हमेशा विकासशील ही कहलाता रहेगा, और इन चीजों को सुधारना सबसे महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए। सरकारी स्कूलों की दयनीय दशा के कारण गरीब से गरीब परिवार भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने, अपने इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसमें उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। इससे नेता मुफ्त की बिजली, साइकिल और लैपटॉप देने के बजाय यदि सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में अच्छे स्तर की शिक्षा, उपचार के अलावा पीने लायक सुरक्षित पानी मुहैया कराएं तो कहीं बेहतर होगा। इन पर नागरिकों का हक भी है। सामाजिक क्षेत्र की चुनौतियां और भी कड़ी है। आरक्षण और कड़े कानूनों के बावजूद जातिवाद की जड़ें उखड़ने के लिए बजाय गहरी होती जा रही है। सामाजिक समरसता की जगह महिलाओं, भिन्न मतावलंबियों और अल्पसंख्यकों के प्रति कड़वाहट फैल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे भारत में आजकल जो सांप्रदायिक मुद्दे उठ रहे हैं और एक दूसरे लोग एक दूसरे के प्रति कड़वाहट जो फैल रही है, वह भी अगर जातिवाद और सामाजिक क्षेत्र की जो चुनौतियां, इनसे लड़कर उनको कम किया जा सकता है, वरना यह ऐसे ही निरंतर फैलती जाएंगी, और इसके लिए शिक्षा एक बहुत ही जरूरी हथियार हो सकता है। कुछ भूले संविधान सभा से शुरू हो गई थी, जैसे समान नागरिक संहिता के लिए आम राय न बन पाना और पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत पर बने देश में राज्यों को धार्मिक आधार पर विशेषाधिकार देना, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन और अनुच्छेद 370 को रद्द करने से धार्मिक आधार पर विशेषाधिकार की समस्या हल हुई है, परंतु शेष प्रश्नों और जलवायु परिवर्तन से बचाव के उपायों पर नीतियां बनाने की जरूरत है। यानी कि जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन और 370 जो अनुच्छेद था उसको रद्द करने से धार्मिक आधार पर जो विशेषाधिकार दिए गए थे जम्मू कश्मीर को, वह तो कम हुए। यानी कि जो समानता तो आई है राज्यों में, परंतु अभी भी जलवायु परिवर्तन से बचाव के उपायों पर नीतियां बनाने की जरूरत है, और अन्य विशेषाधिकार जो है अन्य राज्यों में जो समानताओं से अलग जाते हैं उन पर भी कार्य करने की जरूरत है, और शिक्षा, रोजगार और सुरक्षित पेयजल और स्वास्थ्य, इन पर भी अभी बहुत कार्य करने की जरूरत है। इसके साथ ये वाला जो हमारा विचार वाला पार्ट है ये खत्म होता है, और बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। इसमें है मुद्दा है इसमें जो मुख्य मुद्दा है यह वह है कि भारत को विकसित बनाने का संकल्प कैसे पूरा किया जा सकता है, और उसमें अभी तक क्या क्या परेशानियां आई है, और उसमें हम सब क्या क्या कदम उठा सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, बेहतर बुनियादी ढांचा न केवल सुगमता बढ़ाता है अपितु कई अन्य क्षेत्रों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जो बुनियादी ढांचा है वह मजबूत होना चाहिए, तभी आपका घर मजबूत बनेगा। और बनाने का संकल्प जो है भारत को विकसित, उसमें क्या है कि 2047 में भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 साल का जश्न मना रहा होगा, उस समय भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य उन्होंने तय किया है, उसे गुलामी के हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता व एकजुटता के भाव और नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्य पालन के माध्यम से ही प्राप्त करना संभव है। इसमें हम जो मुख्य बिंदु है हाईलाइट कर रखे हैं, हम उन्हीं को देखेंगे। उसके अलावा हाईलाइटेड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा इस बार का पीडीएफ, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे दी गई है। तो देखें किस प्रकार से हम विकसित बनाने के संकल्प को पूरा कर सकते हैं। हमारे भारत को किसी देश को देखने के मोटे तौर पर दो नजरिए हो सकते हैं। बाहर से देखे तो एक देश ताकतवर नजर आ सकता है,
परंतु अंदरूनी हालात का जायजा ले तो हो सकता है कि हमें वहां समस्याओं का अंबार दिखाई पड़ सकता है। योग आयुर्वेद से लेकर स्टार्टअप तक ऐसा बहुत कुछ है जो भारत को एक तेज तरक्की करते देश के तौर पर स्थापित करते हैं। कई ऐसे क्षेत्रों में भी भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है जिसमें लंबे समय तक दूसरे देशों का दबदबा रहा है, जैसे आईटी और रक्षा हथियारों की खरीद का मामला। अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ती रही है, यानी कि हमारी जो युवा प्रतिभाएं हैं जिस तरह विदेश में अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ती रही है, उनसे भारतीय ब्रांड मजबूत होता रहा है। लेकिन जब आधुनिक दुनिया में किसी देश की छवि की बात आती है तो उसे तो ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो देश को असीम प्रतिष्ठा दिला सके। इस जो भारत के संदर्भ में बात करें तो मामला असल में इसे विकसित देशों की कतार में शामिल करना है, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक संकल्प के तौर पर किया। इस संदर्भ में उन्होंने 5 प्रण के माध्यम से जुटने के लिए कहा है। कम से कम देश के उद्योग संगठनों में इसे लेकर संशय नहीं है कि यह संकल्प अवश्य पूरा हो सकता है, यानी कि उद्योग संगठन भी इस संकल्प के लिए तैयार हैं और उन्होंने भी कहा है कि हाँ हम कोशिश करेंगे पूरी संकल्प को 25 साल में विकसित भारत को 25 साल में विकसित देश बनाने का संकल्प को हम भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। उद्योग जगत ने साफ किया कि प्रधानमंत्री ने भारत को 25 साल में विकसित बनाने का जो आह्वान किया है वह प्रेरक व सुसाध्य है। आयात निर्भरता कम करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर ऐसा किया जा सकता है। यह आश्वासन उद्योग संगठनों ने अपनी ओर से दिया है। नवीकरणीय ऊर्जा समेत ज्यादातर क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करके ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ने की दिशा तय कर लें और राजनीतिक सोच को लेकर कायम दुविधाओं व संकटों का कोई समाधान खोज ले तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से रोका नहीं जा सकता है। अगर हमारा देश अगर आगे बढ़ने की दिशा एक तय कर ले कि हाँ हमें किस दिशा में जाना है और जो हमारी राजनीतिक सोच है उन सबको निराकरण करके देश के प्रगति में उसका उपयोग किया जाए सभी मिलकर एक साथ आके, तो इस प्रकार जो दुविधाएं और संकट हैं उनको हम उनका समाधान खोज सकते हैं और जो भारत है उसको विकसित राष्ट्र बनाने में फिर हम कोई रोक नहीं सकता। बढ़ते आगे जानते हैं 75 वर्षों में बदला नजरिया। ऐसा नहीं है कि बीते 75 वर्षों में भारत ने कुछ ठोस हासिल न किया हो। पूरी दुनिया भारत को अभी ही नए नजरिए से देखती है, ऐसा भी नहीं है। जैसे सदियों पहले भारत एक चमकदार ब्रांड हुआ करता था, तब यहाँ के सूती कपड़े, मसाले और दूसरी चीजें दुनिया भर में बिकती थी। यह ब्रांड इतना ताकतवर था कि मौका मिलते ही विदेशियों ने इसे कब्जाने में देर नहीं की थी। गुलामी के दौर में हमने बहुत कुछ गंवा दिया, लेकिन आज भारत के पास उसकी पहचान स्थापित करने वाली तमाम चीजें हैं। भारतीय योग से लेकर दार्जिलिंग चाय, तो भारतीय योग से लेकर दार्जिलिंग चाय, बासमती चावल और अल्फांसो आम आज के भारत की पहचान है। आईटी क्षेत्र में दौड़ा है तो बौद्धिक पूंजी भारत की सबसे नई पहचान है, जो पूरी दुनिया में भारत को सबसे प्रतिष्ठित संसाधन के रूप में दर्ज कराती है। कह सकते हैं कि आईआईटी से मिली पहचान और इस कारण अर्थव्यवस्था में जगे नए आत्मविश्वास ने भारत को एक चमकदार ब्रांड में तब्दील कर दिया। अगर 2047 तक भारत को एक नई महाशक्ति बनना है तो यह बिना नई ब्रांड इमेज के संभव नहीं होगा। यानी कि हमें 2047 तक जो महाशक्ति बनना है उसके लिए हमें एक ब्रांड की जरूरत है ताकि दुनिया उसको सम्मान दे सके और भारत को एक चमकदार ब्रांड में तब्दील कर दिया है। अगर 2047 तक भारत एक नई महाशक्ति बनना है तो यह बिना नई ब्रांड इमेज के संभव नहीं होगा। एक नई महाशक्ति के तौर पर भारत को स्थापित करने या भारतीय ब्रांडों को कामयाबी दिलाने के लिए मार्केटिंग, प्रचार, इमेज मैनेजमेंट और उत्पादों की गुणवत्ता से जरूर तो जरूरी है, लेकिन इस लक्ष्य को हमें इससे भी बड़े राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर पर भी साधना होगा, जिसकी फिलहाल भारी कमी दिखती है। बढ़ते हैं आगे, तो इसलिए विकसित भारत में के सपने को साकार करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि 135 करोड़ भारतीयों में इस देश और उसके उत्पादों की गुणवत्ता का भरोसा पैदा किया जाए और सभी भारतीय इस देश के ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। यानी कि भारतीय अगर बाहर जाए या कहीं पर भी कुछ कार्य करे तो वो भारत का एक ब्रांड एम्बेसडर बनने की बन के
बन के जाए और भारत का प्रचार करें। ऐसा करके ही भारत दुनिया का विनिर्माण पावर हाउस बन सकता है और मेक इन इंडिया को सच्चे अर्थों में साकार किया जा सकता है। विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में नीतिगत पहल हैं जिनका पालन अनिवार्य है, लेकिन कुछ मोर्चे और हैं जिन पर जीत हासिल किए बगैर विकसित देशों की पाथ में शामिल होने का लक्ष्य पाना लगभग असंभव है। तो जानते हैं क्या क्या कुछ मोर्चे हैं जिन पर जीत हासिल करे बगैर हम जिन पर जीत हासिल किए कर कर हम इन सभी विकसित देशों की लिस्ट में आ सकते हैं। तो उसमें विकास के मार्ग की अड़चनें जो मुख्य है उनमें हम देखते हैं कि जो विकास की राह में अड़चन डालते हैं उसमें है भ्रष्टाचार और परिवारवाद की समस्या। भ्रष्टाचार की रैंकिंग करने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक CPI 2021 में भारत को 180 देशों में 85वें स्थान दिया, जो कि एक बड़ी समस्या की ओर संकेत करता है। यानी कि हम 180 में 85वें स्थान पर हैं, यानी कि यह बहुत ही बड़ा बहुत निचले निचले स्तर हमको दिखाता है कि हम भ्रष्टाचार में कहाँ पर मौजूद है और इसे हमें बहुत सुधारने की जरूरत है। हालांकि पिछली रैंकिंग के मुकाबले इसमें एक अंक का सुधार हुआ है, लेकिन यह संतोष की बात नहीं है। कहने को तो केंद्र सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है, लेकिन हर दूसरे दिन किसी इंजीनियर बाबू या नेता के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की खबर साबित करती है कि कोढ़ बन चुके इस मर्ज का इलाज केवल बातों से मुमकिन नहीं है। यानी कि इसके लिए सख्त कदम उठाने की बहुत जरूरत है, और सिर्फ बातें करने से भाषण देने से इसका हल और इसका इलाज नहीं किया जा सकता है। भ्रष्टाचार इसलिए बना हुआ क्योंकि आम जनता में भी अभी तक यह संदेश कायम है कि किसी भी सरकारी विभाग में बिना रिश्वत से कोई काम आसानी से नहीं हो सकता। बंगाल की शिक्षक भर्ती घोटाला इसी गवाही भी देता है। भ्रष्टाचार को राजनीतिक प्रश्रय दूसरी प्रश्रय भी हासिल है, जिसकी वजह से भी यह अभी तक बचा हुआ है और यह फैलता भी जा रहा है, इसको इतनी कोशिशों के बावजूद भी। दूसरी बड़ी चुनौती है परिवार या भाई भतीजावाद। परिवार की वजह से विकास के फायदे चंद परिवारों तक सिमटे हुए हैं, ऐसे में कोई राष्ट्र विकसित कैसे हो सकता है। प्रधानमंत्री ने इसी चिंता को रेखांकित करते हुए राजनीति के शुद्धिकरण का आह्वान किया है और परिवारवाद के विरुद्ध परिवेश बनाने को कहा। बढ़ते आगे वो जानते हैं अब शिक्षित युवा और स्त्री भागीदारी के हमारे विकास में क्या महत्व है और वो क्या योगदान दे रहे हैं। युवाओं और विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी के बिना विकसित राष्ट्र की कल्पना करना असंभव नहीं है। युवा जनसंख्या के मामले में हमारा देश खुद को सौभाग्यशाली मान सकता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी यदि शिक्षित और स्किल्ड हो, सही दिशा में आगे बढ़ रही हो, उससे आगे बढ़ने के मौके के बराबरी के साथ मिल रहे हो, तो ऐसे विकसित देश को विकसित मुल्क बनाना कोई कठिन नहीं है। यानी जिस प्रकार से हमारे देश में युवा की इतनी अच्छी आबादी है और वो शिक्षित और स्किल्ड भी है, हो अगर हम इसको और अच्छा शिक्षित स्किल्ड हो, शिक्षित तो है पर अभी स्किल की बहुत कमी है, और अगर ये स्किल को हम बढ़ा दें तो इस हमारे देश को जो विकासशील है उसको विकसित मुल्क बनाना कोई कठिन काम नहीं और इसको कोई रोक नहीं सकता है। यह अच्छा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखा गया है और देश की जमीन से जुड़ी शिक्षा नीति बनाई गई है, तो इससे 2047 का लक्ष्य साकार होने में कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि लैंगिक समानता विकसित राष्ट्र बनने में हमारे संकल्प को एक मजबूत जमीन दे सकती है, इसलिए इस दिशा में पूरी ताकत के साथ काम करना होगा। यानी कि युवा है जो शिक्षित है उसको स्किल्ड बनाना है, और जो लैंगिक समानता है यानी कि जो महिलाओं बच्चियों और लड़कियों की शिक्षा है उनको भी बराबर समानता देनी होगी, लैंगिक समानता देनी होगी और अवसरों की समानता देनी होगी, समाज को भी स्वीकार करना होगा। अभी बहुत सारे तबके ऐसे हैं जहाँ पर लड़कियों की शिक्षा को नहीं दी जाती लड़कियों की शिक्षा, और उनको समानता अभी भी वहां पर नहीं मिली है और लड़कों के बराबर की इज्जत या फिर अवसर वहां पर नहीं मिलते हैं। इसलिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि जो हमारा 2047 तक का लक्ष्य हमने साधा है, क्योंकि उसको अकेला पुरुष मिलकर पूरा नहीं कर पाएगा, दोनों को मिलकर पूरा करना पड़ेगा और दोनों को साथ मिलकर इस देश की के लिए कार्य करने पड़ेंगे। इसलिए जो भी लैंगिक समानता, तो चाहे स्त्री पुरुष या अब जो भी या ट्रांसजेंडर भी कहें, तो हर एक जेंडर को लैंगिक समानता की जरूरत है, क्योंकि
समानता समानता सबके लिए जरूरी है, तभी वो इस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र बनने में मदद कर सकते हैं, और तभी वो अपने पूरा एफर्ट इस चीज में दे सकते हैं अगर उनको समानता और अवसर मिलेंगे तब। इसलिए प्रत्येक लिंग के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो कोई भी लिंग हो, कोई भी जाति का हो, किसी भी समाज से हो, सभी को समान अवसर और समानता की जरूरत बहुत जरूरी है। इसी प्रकार हम जानते हैं ब्रांड भारत और मेक इन इंडिया में भारत कहाँ है अभी और हम इसमें क्या कर सकते हैं। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद इस बार 15 अगस्त को पहली बार लाल किले पर तिरंगे को सलामी देने के लिए मेड इन इंडिया तोप का इस्तेमाल किया गया, यानी कि जो होविट्जर तोप थी उसका इस्तेमाल जो इस बार किया गया वो मेड इन इंडिया थी। आत्मनिर्भर भारत यानी देश को अपने दम पर चमकाने का एक महान दायित्व हर भारतवासी के माथे आता है। सवाल है कि इस दायित्व का निर्वहन कितना हो पाया है। कभी कभी यह लगता है कि तमाम जड़ताओं और कठिनाइयों के बावजूद इस देश के रूप में भारत ने दुनिया में अपनी चमक कायम रखी है। ब्रांड फाइनेंस नामक संगठन वैश्विक स्तर पर जो आकलन करता है उसके मुताबिक, यानी कि जो ब्रांड फाइनेंस नामक एक संगठन है जो एक वैश्विक स्तर पर जो अपना आकलन करता है उसके मुताबिक जो जो मूल्यवान देशों की जो पिछली सूची में भारत दुनिया में 7वें स्थान पर था, यानी कि जो सूची बनाई गई थी उसमें मूल्यवान ब्रांड है या मूल्यवान देश है उनमें भारत 7वें स्थान पर था। व्यावसायिक नजरिए से देखें तो हमारे देश की कारोबारी कीमत जो ब्रांड वैल्यू है वो करीब 137 अरब रुपए यानी 2.1 अरब डॉलर थी। इस सूची में अमेरिका शीर्ष पर जो कि 19.7 19.7 अरब डॉलर, और फिर क्रमशः चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस से, और उसके बाद आता है भारत, जिनके बाद भारत का स्थान था। वैश्विक पैमाने पर इस सूची को लेकर यह बहस हो सकती है कि क्या इससे देश के अंदरूनी मसलों का कोई समाधान निकलता है या नहीं, लेकिन ध्यान रखना होगा यह सूची दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन के आधार पर उनसे संबंधित देशों की ताकत और उनकी छवि के मूल्य के पैमाने पर तैयार होती है। इस मूल्य में उन देशों के साजो सामान के ब्रांड की वैश्विक बिक्री की ताकत का अंदाजा लिया जाता है कि उनका सामान कितना बिक रहा है वर्ल्ड लेवल पर, या उन ब्रांड की कितनी वैल्यू है और कितने लोग उसके सामान खरीदते हैं। उसके आधार पर देश की विकास दर पर पड़ने वाले असर का आकलन किया जाता है। अगर ज्यादा लोग उसके ब्रांडों का सामान खरीदेंगे तो ज्यादा ही उसका जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि उत्पादन ज्यादा हो रहा है और उसके उत्पादन का उपभोग भी हो रहा है, तो ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी और जीडीपी बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था की अनेक चुनौतियों, कोरोना काल में मंद पड़े कारोबार और डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत में गिरावट के बीच ब्रांड इंडिया रूपी भारत की छवि पर क्या असर पड़ा है, इसे लेकर ज्यादातर विश्लेषकों का मत यह है कि विकास दर, मुद्रास्फीति और व्यापार घाटा जैसे बुनियादी आर्थिक आंकड़ों का कमजोर पड़ना रेटिंग एजेंसी द्वारा देश की क्रेडिट रेटिंग घटाने की चेतावनी समस्याएं पैदा कर रही है। यानी कि ये जो समस्याएं पैदा हुई कोरोना काल में, ये कुछ समस्याएं पैदा कर रही है। क्रेडिट रेटिंग घटाने की चेतावनी जो मिली है वह भी देश की के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रही है, लेकिन भारत की ब्रांड वैल्यू पर इन बातों का कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा। यानी कि चाहे हमारी क्रेडिट रेटिंग वैल्यू या मुद्रास्फीति बढ़ रही हो या विकास दर में थोड़ी सी कमी आई हो, लेकिन भारत की ब्रांड वैल्यू इस पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसकी एक वजह यह है कि वह राजनीतिक इच्छा शक्ति को दृढ़ता हो सकती है, यानी कि हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो सकती है। जिस प्रकार अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने जनता के हित में रूस के तेल सौदे के किए और अंतर्राष्ट्रीय मसलों में अपनी राय स्पष्ट रखी, उससे यह संदेश गया है कि भारत में फैसले राष्ट्रहित और जनहित में लिए जाते हैं, ना किसी के अन्य के देश के दबाव में। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री भी, जब वो प्रधानमंत्री थे तब भी, और हाल में एस जयशंकर जी की वीडियो क्लिप दिखाते हुए बताते हैं कि भारत एक खुद फैसले लेने वाला मुल्क है, वह अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव में नहीं आ रहा है और उसकी विदेश नीति सबसे अच्छी है कहते हुए सुना होगा। इसी प्रकार जो भारत का ब्रांड है वो बहुत सारे विदेशों में भी लोग मानते हैं कि हाँ, भारत के अंदर वो क्षमता है कि यह एक लीडर की तरह या फिर एक अच्छा देश जो सबकी भलाई चाहता है और अपने लोगों की भलाई के लिए ही वह कार्य करता है, ना कि दूसरे देशों के दबाव में आकर कार्य करता है। तो इसीलिए सरकारों को बाहरी छवि की चिंता अवश्य करनी चाहिए, लेकिन देश के आम लोगों की खुशहाली की सुनिश्चित किए बगैर नहीं। यानी कि आम लोगों की, जब जनता खुश होगी तब देश विकसित होगा, और देश विकसित होगा तो रोजगार आएंगे और सभी को समानता, सभी को अच्छी
अच्छा जीवन स्तर मिल पाएगा। इसीलिए जो देश का ब्रांड है उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। यहाँ पर जो इस पूरे आर्टिकल का पूरे इसका एक सार है वह है कि हमें हमारे देश की मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है, भारत ब्रांड को मशहूर करना है पूरे देश भर में, विदेश भर में, और जो विकास के मार्ग में अड़चन है उनको हल करके स्त्री पुरुष समानता लेकर सभी लिंगों को समान अवसर देकर समान एक उनको आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करके और जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करके आगे बढ़ना होगा, ताकि हम 2047 तक जो लक्ष्य अपना रखा है उसको हम पूरा कर सकें। और इसी प्रकार यह वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।